Assalamu alaikum, bismillahir rahmanir rahim. In this video we are going to discuss the chapter number 7 of mini katzang, cholinoreceptor activating and cholinesterase inhibiting drugs. इस चैप्टर में हम मेनली वो ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में हेल्प कर रही हैं. कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कौन सी? पैरासिम्पथेटिक ट्रांसमिशन. पैरासिम्पथेटिक ट्रांसमिशन जहाँ पे एसिटाइल कोलिन यूज़ हो रहा है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं कोलिनर्जिक. अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें दो चीज़ें आ जाती, दो तरह की ड्रग्स हमें यहाँ पर मिलेंगी. एक तो वो ड्रग्स विद एसिटाइल कोलिन लाइक इफ़ेक्ट्स, इसको हम कहते हैं कोलिनोमिमेटिक्स, कंसिस्ट ऑफ टू मेजर सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, दैट इज वेदर दे आर डायरेक्टली दे एक्ट डायरेक्टली एट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, या वो ड्रग्स डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी, और इनडायरेक्टली थ्रू द इनहिबिशन ऑफ कोलिनेस्टरेज, या इनडायरेक्टली इस तरह एक्ट करेंगी कि कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, उसमें देखा था कोलिनेस्टरेज का फंक्शन है कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करवाता है. जब एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन होगी तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी. हमें ऐसी कंडीशन चाहिए कि एसिटाइल कोलिन हमें ज़्यादा चाहिए किसी कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, या तो ऐसी ड्रग दे देंगे जो डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे बाइंड हो के एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन शो करे, या हम ऐसी ड्रग देंगे जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करवा दे. जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करवा रहा है, तो ये एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो एसिटाइल कोलिन अपनी नॉर्मल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में खड़ी रहेगी और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन परफॉर्म करती रहेगी. तो ये दो तरह की ड्रग्स इसमें हम देखेंगे. ड्रग्स इन द डायरेक्ट एक्टिंग सब ग्रुप आर फर्दर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन. उसमें क्या है, या तो ये मस्करिनिक होंगी या निकोटिनिक. दो तरह के रिसेप्टर्स हमने पढ़े हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में, या तो मस्करिनिक रिसेप्टर्स, मस्करिनिक रिसेप्टर्स पर जो ड्रग बाइंड करेंगी वो मस्करिनिक होंगी, और जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगी वो निकोटिनिक ड्रग्स होंगी. अब मस्करिनिक भी आगे दो तरह की आ जाती हैं. एक आ जाती है कोलिन ईस्टर्स जो जैसे एसिटाइल कोलिन, और दूसरे आ जाते हैं एल्कोलाइड्स पाइलोकार्पिन. अब इसकी जो प्रोटोटाइप है ना डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स में, जो निकोटिनिक और मस्करिनिक दोनों पे एक्ट करती है, वो है एसिटाइल कोलिन. इसी तरह इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है इसमें, इसका जो प्रोटोटाइप है वो है नियोस्टिग्मिन. इनडायरेक्ट एक्टिंग भी आगे दो तीन तरह की हैं. उसमें आ जाती हैं एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग, कार्बामेट्स इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग जिसमें नियोस्टिग्मिन, उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट वेरी लॉन्ग एक्टिंग जिसमें पैराथायोन. ये बेसिक क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है. इसी की बेस पे हम एंड में ड्रग का समरी टेबल भी डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट मूव करने से पहले ये कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जिसकी आगे हमें हेल्प चाहिए होगी. वैसे तो आप ये सारी डेफिनेशंस रीड कर लें, लेकिन जो मेन कंसेप्चुअल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. एक है कोलिनर्जिक क्राइसिस और एक है मेस्थेनिक क्राइसिस. अब इन दोनों में डिफरेंस करना हमें डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अब कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है? अ क्लिनिकल कंडीशन ऑफ एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ कोलिनोसेप्टर्स. इट मे इंक्लूड स्केलेटल मसल वीकनेस एज वेल एज पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स यूजुअली कॉज्ड बाय कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स. इसमें क्या हो रहा है कि कोलिनोरिसेप्टर्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो रही है, बार बार एक्टिव उनको एसिटाइल कोलिन वहाँ पे आके एक्ट कर रहा है, या कोई भी और ड्रग कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स आके एक्ट कर रही हैं, और बार बार उनकी एक्टिवेशन हो रही है जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो गए हैं. तो हमें ऐसे लग रहा है कि अब ये जो है ना इस ड्रग का एक्शन नहीं हो रहा यहाँ पे, और जो है मसल वीकनेस और स्केलेटल मसल, मतलब हम स्केलेटल मसल को बार बार जो है उसको वो करवा रहे हैं, कंट्रैक्शन करवा रहे हैं. एक वक्त आएगा कि वहाँ पे अंदर कैल्शियम स्टोर्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें लग रहा होगा
के यहाँ पे जो है ये मसल वीकनेस हो गई है। ये आम तौर पे कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स की वजह से ऐसे होता है। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन नहीं होने देते, जिसकी वजह से वो जो है एसिटाइल कोलिन पर बार बार अपना एक्शन शो कर करके जो है वो एक कोलिनर्जिक क्राइसिस करवा देते हैं। अब दूसरा मेस्थीनिक क्राइसिस, मेस्थीनिया ग्रेविस आपने एक डिजीज़ पढ़ी होगी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इन पेशेंट्स विद मेस्थीनिया एन एक्यूट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स यूजुअली रिलीव बाय इंक्रीजिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर ट्रीटमेंट। इसमें ये होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़, वो क्या करती हैं कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर देती हैं और उनको एक्टिव नहीं होने देती, मतलब उनकी एक्टिवेशन नहीं होने देती। तो इस केस में भी हमें देखने में यही लग रहा होता है कि मसल वीकनेस हुई हुई है। तो अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा एक्सेसिव एक्टिवेशन की वजह से हुआ है और कौन सा जो है एक्टिवेशन ना होने की वजह से मसल वीकनेस हो रही है, उसके लिए हम देते हैं कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर यहाँ पे ऊपर क्या करवा रहा था मेस्थीनिक क्राइसिस, जब कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर और दिया और भी देते रहे तो उसमें कंडीशन को कोई जो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले स्टोर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं कैल्शियम वगैरह के, तो उस इस कंडीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर देंगे, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, तो क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन साइनैप्स में बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो वो जो है ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ को वहाँ से रिसेप्टर से हटाना शुरू कर देंगे और थोड़ा थोड़ा रिसेप्टर्स पे बाइंड करके मसल कंट्रैक्शन वगैरह शो करवानी शुरू कर देंगे। ये दोनों, और इसमें जो है मेनली यूज़ होता है एड्रोफोनियम। हम आगे देखेंगे कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, जो है एड्रोफोनियम वो यूज़ होती है। ये कंसेप्ट था आपको दे दिया। उसके बाद ये देख लें साइक्लोस्पाज्म क्या होता है, मार्क कंट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल, मैक्सिमम अकोमोडेशन फॉर क्लोजवियन, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग दैट बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स कोलिनोसेप्टर्स, एंडोथीलियम ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, अपोर्टेंट वेजोडाइलेटर सब्सटेंस लार्जली नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग दैट एम्पलीफाइज द इफेक्ट ऑफ एंडोजीनस एसिटाइल कोलिन बाय इनहिबिटिंग एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ये सारी सिंपल सिंपल डेफिनेशन हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट एजिंग, अ प्रोसेस वेयर बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट आफ्टर बाइंडिंग टू कोलिनेस्ट्रेज इज केमिकली मॉडिफाइड एंड बिकम्स मोर फर्मली बाउंड टू द एंजाइम। अभी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, फॉस्फोरस कंपाउंड, हमने देखा है कि वेरी लॉन्ग एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है ना वो कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के साथ इन्होंने बाइंड कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद बाइंड होने के कुछ देर बाद तक बाइंड हो रहे और एक केमिकल चेंज आया जिसकी वजह से वो फर्मली पक्के एंजाइम्स के साथ बाइंड हो गए, बाउंड रह गए, उसके बाद वो अलग नहीं हो सकते। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट एजिंग। इसका कंसेप्ट आगे यूज़ होगा, उसको मैं आपको याद करवाऊँगा ये क्या चीज़ है। अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। ये इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ कोलिन इस्टर्स हैं जिनके आगे नेम्स लिखे हैं, वो मैं इनमें आपको याद करवाऊँगा। कुछ अल्कलॉइड्स हैं, मस्क्रीन, पाइलोकार्पिन, निकोटीन, लोबिलिन, और कुछ नियो ड्रग्स हैं आर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस फॉर स्पेशल एप्लीकेशन, एग्जांपल नियो निकोटिनॉइड्स और क्लोथियानिडीन, ये कुछ ड्रग्स हैं। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह के जाके इस ड्रग के समरी टेबल से याद करवाऊंगा। क्लासिफिकेशन हमने पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में देखा है क्लासिफिकेशन क्या है, 5 सब ग्रुप्स ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं। उसके बाद मस्कुलिनिक एगोनिस्ट जो हमारे पास हैं उनको नॉन सेलेक्टिवली एक्टिवेट करते हैं, निकोटिनिक एगोनिस्ट एक्ट बोथ ऑन गैंग्लियोनिक एंड न्यूरोमस्कुलर कोलिनेसेप्टर, दो तरह के हमने निकोटिनिक रिसेप्टर्स पढ़े थे।
जिसमें गैंग्लियोनिक हैं और दूसरे न्यूरोमस्कुलर। एंड न्यूरोमस्कुलर सेलेक्टिव एगोनिस्ट एक्टिविटी इज लिमिटेड, न्यूरोमस्कुलर कोलिनोसेप्टर्स। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है एगोनिस्ट की जो सेलेक्टिविटी है वो लिमिटेड है, लेकिन दूसरी तरफ स्लाइटली सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एंटेगनिस्ट एंड रिलेटिवली सेलेक्टिव निकोटिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट आर अवेलेबल। तो ये बेसिक सी बात हो गई। यहाँ पे ये टेबल में देख लें, ये याद करने का तो नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन इसको भी एक दफ़ा रीड करके कंसेप्ट बना लें। इसमें यह है कि डायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से हैं, और वो किस किस रिसेप्टर के साथ वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एसिटाइलकोलिन बोथ निकोटिनिक भी है, मस्कुलिनिक भी है, बिथेनिकोल मस्कुलिनिक, कार्बाकोल मस्कुलिनिक, पाइलोकार्बन मस्कुलिनिक, निकोटिनिक निकोटिनिक निकोटिनिक। इधर भी एड्रोफोनियम इनडायरेक्ट एक्टिंग में बोथ 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 बोथ, ये सारे बोथ हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करवाएंगे। तो जिसने एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करवाना है, तो अब वो ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, और एसिटाइलकोलिन हो गया जब और भी इस एसिटाइलकोलिनोमाइमेटिक्स जितने भी हैं उनके ब्रेक डाउन को ये प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों पे एक्ट करते हैं। और इनका ये आगे वो लिखा हुआ है टाइम, और जो ये सारा आप देख सकते, इसमें इम्पोर्टेंट एसिटाइलकोलिन का याद कर सकते हैं कि ये 5 to 30 seconds है, 5 to 30 seconds। इसको क्लिनिकली हम इस वजह से यूज़ नहीं करते कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यूरेशन टाइम जो है बहुत कम है, 5 to 30 seconds। और इसमें इसके अलावा बिथेनिकोल का 30 minutes to 2 hours, 30 minutes to 2 hours, और इस तरह आगे आ जाए 16 hours, 12 to 24 hours। तो आप सर्वाइवर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन को हम क्यों यूज़ नहीं करते, तो हम प्रैक्टिकली क्यों यूज़ नहीं करते, हम ये बताएंगे कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, 5 to 30 seconds, इसलिए हम इफ़ेक्ट इतनी जल्दी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, हमें फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो ये हो गए, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन। इसको यहाँ पे हम टेबल से देख लेते हैं। M1 जो है हमने पहले पढ़ के आए हैं, M1 GQ का पढ़ है, जिसके IP3 इंक्रीज IP3 DAG कैस्केड चलता है। ये मैं आपको जनरल फार्माकोलॉजी में अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। M2 रिसेप्टर्स जो है ये GI का पढ़ है, GI का पढ़ का होने का मतलब ये है कि जब ये एक्टिव होंगे तो ये साइक्लिक AMP को कम करवाएंगे, साइक्लिक AMP के सिंथेसिस को, और जो है इसके साथ ये एडिनिलाइल साइक्लेज वाला सिस्टम चलेगा। और ये भी M3 भी GQ का पढ़ है, इसमें फॉस्फोलाइपेज C, प्रोटीन काइनेज C वगैरह का सारा रोल होता है, वो आप देख सकते हैं। M4 GI, M5 भी M5 GQ, ये QI, इस तरह याद रख लें। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जो है, इसमें सोडियम पोटाशियम आयन चैनल डीपोलाइजिंग करंट, इसमें भी सोडियम पोटाशियम आयन चैनल डीपोलाइजिंग करंट। इसमें एक और चीज़ देख लें M2 रिसेप्टर्स के हवाले से, M2 मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स कपल टू एडिनिलाइल साइक्लेज थ्रू इनहिबिटेड GI कपलिंग प्रोटीन, अ थर्ड मैकेनिज्म कपल्स द सेम M2 रिसेप्टर वाया बीटा गैमा सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन टू पोटाशियम चैनल्स इन द हार्ट। ये ध्यान में रखें कि हार्ट में M2 रिसेप्टर्स किस तरह पोटाशियम चैनल्स के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। ये हो गया, उसके बाद आ जाए निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स का भी हमने देख लिया है, जो एक लाइन इंपॉर्टेंट है वो इसमें अंडरलाइन कर लें। When the receptor is activated, channel opens, depolarization of the cell occurs.
as a direct result of influx of the sodium causing an excitatory postsynaptic potential. अगर यही एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इतना ज़्यादा होगा, इतना इनफ होगा, तो उसकी वजह से प्रोपेगेटेड एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो निकोटीन रिसेप्टर्स जो हैं सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक गैंग्लियन न्यूरॉन्स पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट करते अपना डिफरेंस है इन दोनों में। ऑन न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स की बेस पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम इनको अलग अलग शो करते हैं, NN और NG। उसके बाद टिश्यू एंड ऑर्गन इफेक्ट्स, कोलिनोमाइमेटिक्स के टिश्यू एंड ऑर्गन इफेक्ट्स क्या हैं, इसको हम मेनली आगे टेबल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं डिस्कस करने की जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, नोट दैट वेजोडाइलेशन इज नॉट अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्स। मैंने आपको पीछे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिखाया है कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो रिस्पॉन्स है वहाँ पे वेसल्स के अंदर पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स नहीं है। ब्लड वेसल ये आपको दिखाया था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स नहीं हैं, ठीक है। यहाँ सिंपथेटिक हैं जो कंट्रैक्शन करवाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक का काम था रिलैक्सेशन करवाना, इसलिए जो है रिलैक्सेशन पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू नहीं होती, कोई और मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन होती है, यानी कि वेजोडाइलेशन होती है। अब वो इधर कुछ हिंट दिया हुआ किस किस वजह से होती है। वेजोडाइलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। वेजोडाइलेशन इसकी एंडोथीलियम EDRF की वजह से होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरी सब्सटेंसेस की वजह से होती है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स की वजह से वेजोडाइलेशन नहीं होती, ठीक है, ये ज़हन में रखें, कंसेप्ट आगे यूज़ होगा। उसके बाद एक और चीज़ कि अगर हम इसको हम इंजेक्शन की फॉर्म में डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक कोलिनोमाइमेटिक्स देते हैं तो उसकी वजह से होता है टैकीकार्डिया हो जाता है। और जो है पैरासिम्पैथेटिक वेगल नर्व डिस्चार्ज टू हार्ट कॉजेस ब्रैडीकार्डिया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिस पे अक्सर जो है समझ बहुत देर से आती है। तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक कोलिनोमाइमेटिक्स ऑफन काज टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया क्या होता है, टैकीकार्डिया मींस जो है हार्ट रेट तेज़ हो गया। हार्ट रेट तेज़ किस वजह से हुआ कि वेजोडाइलेशन हुई, बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू पता चला कि भाई हमें जो है ना कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है ताकि हमारे पास जो ब्लड जो है सारी जगहों पे जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। अब यहाँ पे एक लाइन आप पढ़ें, नोट दैट वेजोडाइलेशन इज़ नॉट अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई जो मैंने आपको पहले बताया। दैट इज इट इज़ नॉट इवोक्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिस्चार्ज। पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिस्चार्ज जो है ना उसकी वजह से वहाँ पे वेजोडाइलेशन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स पहुँच ही नहीं रही, जब पहुँचेंगी ही नहीं तो वो जो है एसिटाइलकोलिन रिलीज ही नहीं होगा, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि वेसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, कोलिनोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब वो रिसेप्टर्स एक्टिव कब होंगे, जब हम जो है ना इंजेक्शन की फॉर्म में कोलिनोमाइमेटिक्स दे देते हैं। अब ये आगे क्या लिखा हो, इवन दो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स जो हैं कॉज वेजोडाइलेशन। डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर कोलिनोमाइमेटिक्स जो हैं वो वेजोडाइलेशन करवाती हैं। अब हमने इंजेक्शन की फॉर्म में डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेशन वो जो कोलिनोमाइमेटिक्स दे दिया, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हुई। उस वेजोडाइलेशन को कंपनसेट करने के लिए, वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हमेशा हो रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए ये टैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का जो वेगस नर्व के थ्रू नर्व डिस्चार्ज होता है वो हार्ट
पे जब जाता है तो उसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया होता है। हम नॉर्मल फंक्शन हम पढ़ रहे थे हार्ट पैरासिम्पैथेटिक्स का कि वो चीज़ों को स्लो करवाता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग अगर हो रही है तो ब्रैडीकार्डिया करवाएगा, लेकिन अगर हमने इंजेक्शन की फॉर्म में दे दिया तो वो उस वक्त जो है ये टैकीकार्डिया करवाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कन्फ्यूजिंग, ये जहन में रखें। उसके बाद जो है नेक्स्ट, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल इफ़ेक्ट्स ऑफ निकोटिनिक स्टिमुलेशन, निकोटिनिक गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन डिपेंड्स ऑन द ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ऑफ द ऑर्गन इन्वॉल्व। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है ना, ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में भी हैं और पैरासिम्पथेटिक में भी हैं। अब निकोटिनिक, हमने निकोटिनिक एक ड्रग दी, निकोटिनिक एगोनिस्ट दे दिया। अब हमने देखना है कि जिस ऑर्गन में सिंपथेटिक रिसेप्टर्स निकोटीन के लिए हैं तो वहाँ पे और तरह का इफ़ेक्ट होगा, और जिस ऑर्गन में पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे और तरह का इफ़ेक्ट होगा। अब ब्लड वेसल्स आर डोमिनेटेड बाय सिंपथेटिक इनर्वेशन, हमने देखा कि पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन ब्लड वेसल्स पे नहीं है, तो सिंपथेटिक इनर्वेशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, निकोटीन रिसेप्टर्स एक्टिवेशन रिजल्ट्स इन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, मीडिएटेड बाय सिंपथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉर एड्रीनर्जिक नर्व डिस्चार्ज। हो गया क्लियर? अब गट इज डोमिनेटेड बाय पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल। पैरासिम्पथेटिक का क्या काम था, जब एक्टिवेशन होगी तो वो उसकी रिलैक्सेशन करवाएगा। अब ये देख रहे थे, निकोटिनिक ड्रग्स इंक्रीज द मोटिलिटी एंड सेक्रीशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज पैरासिम्पथेटिक एंड अदर पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन डिस्चार्ज। हो गया पॉइंट क्लियर? उसके बाद अजय, निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट एक्टिवेशन बाय डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स रिजल्ट इन फेसिकुलेशन एंड स्पाज्म। न्यूरोमस्कुलर पे क्या है, जो है कंट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन की वजह से फेसिकुलेशन और स्पाज्म होते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं टेबल में जाने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लिनिकल यूजेस में क्या, सेवरल क्लिनिकल कंडीशन बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज इन कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग ग्लूकोमा, स्टोरन सिंड्रोम, या आगे भी हम देख लेंगे ड्रग समरी के टेबल में। और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। वर्निक्लिन जो है एक निकोटिनिक पार्शल एगोनिस्ट है जो स्मोकिंग सेसेशन के लिए यूज़ होता है। अब टॉक्सिसिटी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसके, अब आ जाए CNS पे। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, एक दफ़ा आई के बारे में आया हुआ, एक दफ़ा GIT के बारे में, कि पैरासिम्पथेटोमाइमेटिक्स या कोलिनोमाइमेटिक्स के इफ़ेक्ट क्या होते हैं इन ऑर्गन्स पर। CNS पे क्या हुआ, कम्प्लेक्स स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, निकोटीन इन स्मॉल डोजेस एलिवेशन ऑफ मूड अलर्टिंग एडिक्शन, उसके बाद जो है इंडिविजुअल्स, अच्छा लार्ज डोजेज में क्या सीजर्स हो सकते हैं, फाइजोस्टिग्मिन, कन्वल्जन्स, एक्सेसिव कंसंट्रेशन में कॉज कोमा। आई में आ जाते हैं, आई में क्या करवा रहा है, ये कंट्रैक्शन करवा रहा है, कंट्रैक्शन मायोसिस हो रहा है, और सिलियरी मसल की आयरस की कंट्रैक्शन की वजह से मायोसिस, सिलियरी मसल की कंट्रैक्शन की वजह से अकोमोडेशन और फॉर नियर वीएन और साइक्लोस्पाज्म। हार्ट में क्या हो रहा है, साइनोएट्रियल नोड SA नोड पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, हमने देखा था M2 होते हैं, तो इसमें डिक्रीज इन द रेट नेगेटिव क्रोनोट्रोपी बट नोट इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इन इंटैक्ट सब्जेक्ट। उसके बाद जो एट्रिया में क्या है, डिक्रीज इन कंट्रैक्टाइल फोर्स, हर चीज़ को स्लो करवा रहे हैं, हमने यहाँ पे अभी पीछे देखा कि ब्रैडीकार्डिया करवाता है नॉर्मल जब फंक्शन हो रहा होगा, वो तो हमने टैकीकार्डिया उस कंडीशन में देख लिया कि जब हम इंजेक्शन की फॉर्म में हम देंगे कोलिनरेप्टर्स। हमने बेसिकली ये नॉर्मल ही जहन में रखना है। उसके बाद AV नोड, डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी, इंक्रीज इफेक्टरी पीरियड, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो रही है तो इसके साथ इफेक्टरी पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। वेंट्रिकल्स जो है स्मॉल डिक्रीज इन कंट्रैक्टाइल फोर्स।
सारा जो है ना हार्ट को स्लो करवा दिया। इसका वही कंडीशन जहन में लेके आए जब हमारे पीछे शेर लगा हुआ था, उसके बाद हम नॉर्मल शेर चला गया, शेर से बच गए, उसके बाद हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आ गए। हार्ट रेट बड़े तेज़ हुआ हुआ था, उसको अब जो है स्लो करवाना है, उसको स्लो करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ और ये सारा करवा रहा है। उसके बाद आ जाएँ ब्लड वेसल्स डाइलेशन वाया रिलीज ऑफ EDRF फ्रॉम एंडोथीलियम। ठीक है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक का रोल नहीं है, पहले हम बता दिया आपको। ब्रोंकाई कंट्रैक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, GIT ट्रैक्ट, मोटिलिटी इंक्रीज इन स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन बढ़ाएगा, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करवाएगा। क्योंकि हमने देखा हम रेस्टिंग कंडीशन में आ गए हैं तो अब हमें GIT हमारी वर्क करनी चाहिए, तो हमें जो है ना उसकी ग्लूकोज वगैरह की ज़रूरत है, मतलब अब नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी GIT की हो। भागते हो तो हम ये नहीं चाह रहे कि हमारी एनर्जी GIT के पास जाए, हमें तो एनर्जी मसल्स में चाहिए थी जो कि हमें मिल रही थी। उसके बाद स्फिंक्टर्स में डिक्रीज इन टोन उनकी कम होगी, रिलैक्सेशन होगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे एडेफिकेशन वगैरह भी होगी। और एक्सेप्शन सिर्फ एक, सारी जगहों पे रिलैक्सेशन होगी, सिर्फ एक जगह पे रिलैक्सेशन नहीं होगी, वो क्या, गेस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये कंट्रैक्ट करेगा। क्यों, जब GIT फंक्शन कर रही है, पेरिस्टाल्सिस वगैरह हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रही है, उसके बाद अगर स्टोमक में फूड मिक्सिंग अप हो रही है, अगर ये वाला गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो गया तो फूड तो वापस ईसोफेगस में आने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया कि बाकी सारे जो है स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो रहे हैं और जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो कंट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में डिट्रूजर मसल इंक्रीज इन कंट्रैक्शन करवाया, कहकर यूरिनेशन करवाओ, यूरिन को बाहर निकालो। ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर रिलैक्सेशन और वॉइडिंग मीन्स यूरिन को हम बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं। उसके बाद स्केलेटल मसल एक्टिवेशन ऑन न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स कंट्रैक्शन, ग्लैंड्स इंक्रीज सेक्रीशन, थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड, लैक्रिमेशन, सेलिवेशन, ब्रोंकियल सेक्रीशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स भी एक्टिव हो जाएंगे, वो अपना जो है एक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरडोजेज आर रेडिली प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द जनरल फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइलकोलीन। एसिटाइलकोलीन के जितने भी एक्शंस हैं, जब इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो वो एक्शन जो हैं इंक्रीज़ हो जाएंगे, मतलब कि उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही थी वो उससे ज़्यादा एग्जेजरेट कर जाएगी, हम कहेंगे टॉक्सिसिटी होगी। अब ये नॉर्मल फंक्शन आपको बताए हैं ऊपर सारे, अब इन्हीं को हम जहन में रखते हुए देखेंगे। CNS स्टिमुलेशन हो करवाता है एसिटाइलकोलीन, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। CNS स्टिमुलेशन अनकॉमन विद कोलिनेसर्स, मायोसिस हो जाएगी, कंट्रैक्शन करवा रहा था आयरस की तो मायोसिस, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन जिसको हम साइक्लो स्पाज्म भी कह रहे हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव GIT एंड जेटोजूनियर स्मूथ मसल एक्टिविटी, इंक्रीज सेक्रेटरी एक्टिविटी हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा सेक्रेशन देंगे एयरवे, उसके बाद वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ट्रांजिएंट ब्रैडीकार्डिया होगा फॉलोड बाई रिफ्लेक्स का टैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया हमने देखा कि हार्ट के ऊपर सारी चीज़ों को स्लो करवा रहा था तो उसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हुआ। ब्रैडीकार्डिया के बाद उसके जो है ना जब बहुत ज़्यादा ब्लडी पूरा नहीं पहुंच रहा सारी जगहों पे तो बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू ये टैकीकार्डिया करवा देंगे, टैकीकार्डिया होगा। उसके बाद मस्करीन एंड सिमिलर एल्कोलाइड्स आर फाउंड इन सेंटेड मशरूम्स, इनोसाइब स्पीशीज एंड अमानिटा मस्केरिया, और जो है ये दो मशरूम्स हैं जिसकी वजह से मशरूम पॉइजनिंग होती है, करेक्टराइज बाय नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। द मच मोर डेंजरस, इन सबसे ज़्यादा डेंजरस जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो है अमानिटा फेलोइड्स,
और इससे रिलेटेड स्पेशली इसके बाद इनिशियली वॉमिटिंग होती है, इसमें डायरिया होता है, डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा जी आई टी की मोटिलिटी बढ़ गई है, बट फॉलोड बाय हेपेटिक एंड रीजनल नेक्रोसिस भी हो जाता है इसमें। इट इज़ नॉट कास्ड बाय मस्कुलिनिक एगोनिस्ट बट एमिनिटिन एंड फेलोइडिन आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। ये दो चीज़ें एमिनिटिन एंड फेलोइडिन आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं जिसकी वजह से रीजनल नेक्रोसिस हेपेटिक नेक्रोसिस वगैरह होकर उसके बाद डेथ हो जाती है। उसके बाद निकोटिनिक टॉक्सिसिटी, निकोटिनिक टॉक्सिसिटी क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट्स इंक्लूड गेंग्लियोनिक स्टिमुलेशन एंड ब्लॉक, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट डिपोलराइजेशन लीडिंग टू फैसिकुलेशन एंड देन पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाएगा इसमें। और जो है सी एन एस टॉक्सिसिटी इंक्लूड्स कन्वल्जन्स फॉलोड बाय डिप्रेशन, निकोटीन इन स्मॉल डोजेज बाय स्मोकिंग इज स्ट्रांगली एडिक्टिंग, सबको पता है सिगरेट के अंदर हम निकोटीन पी रहे होते हैं। इन द USA वेपिंग हैज़ बिकम रिलेटिवली कॉमन मेथड ऑफ इनहेलिंग निकोटीन। वेपिंग के बारे में MCQ पास्ट में आया हुआ है कि वेपिंग क्या होता है, तो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं सोल्यूशन ऑफ निकोटीन एंड फ्लेवर एडिटिव्स इज प्लेस्ड इन स्पेशल सिगरेट लाइक होल्डर एंड वेपराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर इन द होल्डर बिफोर बीइंग इनहेल्ड। ये हो गया वेपिंग और ये निकोटीनिक टॉक्सिसिटी। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। हमने अभी तक पढ़े डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट उनके एक्शन, और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमने पहले देख लिया कि हैं हमारे पास कार्बामेट्स हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। उसके बाद दीज ड्रग्स आर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, नियोस्टिग्मिन इज प्रोटोटिपिक कार्बामेट, वेयर एज पैराथायोन इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। उसके बाद थर्ड क्लास जो है इसमें ओनली वन क्लिनिकल यूजफुल मेंबर है जिसको एड्रोफोनियम, ये एक अल्कोहल है, ईस्टर नहीं है। थ्री क्लासेस कोई पूछ ले आपसे क्लासेस इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन क्या है तो बता सकते हैं, एक है हमारे पास कार्बामेट्स, दूसरे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, तीसरे अल्कोहल, अल्कोहल में एड्रोफोनियम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट का, ये करते हैं बोथ कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिटर्स बाइंड टू कोलिनेस्ट्रेज, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के साथ बाइंड करें एंड अंडर गो प्रॉम्प्ट हाइड्रोलिसिस, और फौरन ही अपना हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे। अब क्या करेंगे, ये द अल्कोहल पोर्शन, ये क्या मैं आपको बताता हूँ, द अल्कोहल पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल जो है उसका अल्कोहल पोर्शन फौरन रिलीज हो जाएगा, इज देन रिलीज द एसिडिक पोर्शन कार्बामेट आयन और फॉस्फेट आयन इज रिलीज मच मोर स्लोली फ्रॉम द एंजाइम एक्टिव साइट प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एंडोजीनस एसिटाइल कोलिन। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना ये है कोलिनेस्ट्रेज, ये है कोलिनेस्ट्रेज, इस तरह मैं लिख देता हूँ, और ये है हमारे पास एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन और ये कोलिनेस्ट्रेज, कोलिनेस्ट्रेज इसको पकड़ने आ रहा था एसिटाइल कोलिन को, इसको पकड़ के इसको ब्रेक डाउन करवाना था। अब यहाँ पे दरमियान में या तो कार्बामेट आ गया या ऑर्गेनोफॉस्फेट आ गया। अब इसने क्या किया कि इसको पकड़ने की बजाय, मतलब कि कार्बामेट ने क्या किया कि ऐसे कोलिनेस्ट्रेज के साथ ना बाइंड हो गया, इसकी एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है। अब कोलिनेस्ट एंजाइम की एक्टिव साइट होती है तो उस पर जो चीज़ बाइंड होती है तो वहाँ पर एक्शन होता है। अब ये एक्टिव साइट के साथ ना ये बाइंड हो गया, यहाँ पे आके फिक्स हो गया इसके साथ। जैसे ही फिक्स हुआ ना तो यहाँ से इसका इस मॉलिक्यूल का, ड्रग मॉलिक्यूल का अल्कोहल पोर्शन यहाँ से निकल के चला गया, अल्कोहल पोर्शन निकल के चला गया, पीछे बच गया एसिडिक पोर्शन। अभी एसिडिक पोर्शन यहाँ लगा रहेगा, ये मिसाल के तौर पर ये एसिडिक पोर्शन यहाँ बचा हुआ है, अब काफ़ी देर लगा रहेगा। जब ये एक्टिव साइट इसकी यहाँ पर बुक हुई हुई है तो
इस कंडीशन में क्या ये एसिटाइलकोलाइन इसके साथ बाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता। अब ये एक्टिव साइड इसने बुक की हुई है, अब ये एसिटाइलकोलाइन यहाँ पे दंदनाता फिर रहा है कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊँगा क्योंकि कोलिनेस्ट्रेस तो हमें पकड़ ही नहीं सकता, उसका मुँह खुला, मुँह में जगह ही नहीं है पकड़ने के लिए। तो एसिटाइलकोलाइन जो है ना उस जगह पे अपना जो एक्शन परफॉर्म करती रहेगी। ये काफ़ी देर बाद जाके यहाँ से एसिडिक पोर्शन निकलेगा, जब एसिडिक पोर्शन निकलेगा तब जाके कहीं ये कोलिनेस्ट्रेस एसिटाइलकोलाइन को जाके पकड़ेगा, इसका ब्रेक डाउन करवाएगा। होप सो आपको ये जो स्केच की फॉर्म में समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या होगा, एज ए रिजल्ट दीज ड्रग्स एम्पलीफाई एसिटाइलकोलाइन इफेक्ट्स वेदर द ट्रांसमीटर इज रिलीज्ड। ठीक है, एड्रोफोनियम दो नॉट एन ईस्टर नहीं है, हैज सफिशिएंट एफिनिटी फॉर एंजाइम एक्टिव साइट टू सिमिलरली प्रिवेंट एक्सेस ऑफ एसिटाइलकोलाइन फॉर 5 to 15 minutes। शॉर्ट एक्टिंग है तो इसलिए हम इसको डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका आगे हम यूज़ देख लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। आफ्टर हाइड्रोलिसिस कार्बामेट्स आर रिलीज्ड बाय कोलिनेस्ट्रेज ओवर अ पीरियड ऑफ, यहाँ पे 2 to 8 hours हैं, अपनी बुक से चेक कर लें। उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, दे फॉर्म एन एक्सट्रीमली स्टेबल फॉस्फेट कम्प्लेक्स विद द एंजाइम। आफ्टर इनिशियल हाइड्रोलिसिस द फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू इज रिलीज्ड ओवर पीरियड्स ऑफ डेज टू वीक्स, रिकवरी इज ड्यू इन पार्ट टू सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम। मतलब कि वो जो है एसिडिक पोर्शन लगा रहा तो जो है जब तक नया एंजाइम एसिडिक कोलिनेस्ट्रेज नहीं बनेंगे तब तक जो है वो अपना एसिटाइलकोलाइन अपना एक्शन शो करता रहेगा। उसका इफेक्ट्स क्या है इनके, बाय इनहिबिटिंग कोलिनेस्ट्रेज दीज एजेंट्स कॉज एन इंक्रीज इन कंसनट्रेशन हाफ लाइफ एंड एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन इन साइनेप्सिस वेयर एसिटाइलकोलाइन इज रिलीज फिजियोलॉजिकली। एसिटाइलकोलाइन के रिलीज को बढ़ा नहीं रहे लेकिन उसके ब्रेक डाउन को कम करवा रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन का मतलब। देयरफॉर द इनडायरेक्ट एजेंट्स हैव बोथ मस्करिनिक एंड निकोटिनिक इफेक्ट्स, डोमिनेंट इफेक्ट्स वेरी अमंग ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि पीछे देख लिया कि जहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ज़्यादा वहाँ निकोटिनिक इफेक्ट्स होंगे, और जहाँ पे मस्करिनिक हैं जब वहाँ पे मस्करिनिक होंगे। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट एक्शंस एट अनइनर्वेटेड साइट्स वेयर एसिटाइलकोलाइन इज नॉट नॉर्मली रिलीज, फॉर एग्जाम्पल वास्कुलर एंडोथेलियल सेल वेसल्स पे इनका कोई ख़ास रोल नहीं है। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस भी आ जाएँ। क्लिनिकल यूजेस में कार्बामेट्स जो हैं जिसके नाम लिखे हुए नियोस्टिगमिन फाइजोस्टिगमिन पाइरोजोस्टिगमिन एम्बिनोनियम जो हैं ये ज़्यादा ट्रीट थेरेप्यूटिकली यूज़ होते हैं देन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। उसके बाद जो है मेस्थीनिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं ये ड्रग्स, मेस्थीनिया ग्रेविस की। और मेस्थीनिया की ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हो बिकॉज मेस्थीनिया इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट मे आल्सो इंक्लूड थाइमेक्टमी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, EMCQ आ सकता है, अंडरलाइन कर लें। उसके बाद रिवास्टिग्मिन अल्जाइमर डिजीज में यूज़ होता है, और यहाँ पे बाकी आगे मैं आपको ड्रग्स समरी टेबल से भी बता देता हूँ। एड्रोफोनियम जो है इन द डायग्नोसिस ऑफ मेस्थीनिया एंड इन डिफरेंशिएटिंग मेस्थीनिक क्राइसिस फ्रॉम कोलिनर्जिक क्राइसिस। टॉक्सिसिटी में आ जाएं, टॉक्सिसिटी एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू टॉक्सिक अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं ये मेनली पेस्टिसाइड्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी स्प्रे करते वक्त किसी का एक्सपोजर हो गया या किसी बच्चे ने घर में कोई ऐसी ड्रग पड़ी हुई पी ली तो उस कंडीशन में एक्सीडेंटल एक्सपोजर होता है की वजह से, और ये टेररिस्ट और दूसरे क्रिमिनल अटैक्स की वजह से क्योंकि उसमें भी ये ड्रग्स यूज़ होती हैं तो उसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो है पैराथायोन, कैन बी रैपिडली फैटल इफ़ एक्सपोजर इज़ नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रीटेड।
The antidote of first choice is the anti-muscarinic agent atropine. इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे. बट दिस ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन निकोटिनिक साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी. निकोटिनिक टॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी सपोर्ट एज नीडिड एंड बाय रीजनरेटिंग कोलिनेस्ट्रेज. कोलिनेस्ट्रेज को रीजनरेट करेंगे तब ही हमारे पास निकोटिनिक टॉक्सिसिटी रिवर्स होगी. उसके बाद रीजनरेटर कंपाउंड जो हैं वो परालीडॉक्साइम है. इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट आ जाएं कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि पैराथायोन और मेलाथायोन का डिफरेंस और इसमें कौन सी प्रेफर करते हैं. इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है. बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिसिटी एंड शॉर्ट परसिस्टेंस इन एनवायरनमेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एज इंसेक्टिसाइड्स एंड एंटीहेलमिंथिक एजेंट्स. एग्जाम्पल्स आर मेलाथायोन, पैराथायोन. सम ऑफ दीज एजेंट्स एग्जाम्पल मेलाथायोन, डाइक्लोरवोस आर रिलेटिवली सेफ इन ह्यूमन्स बिकॉज दे आर मेटाबोलाइज रैपिडली टू इनएक्टिव प्रोडक्ट्स इन मैमल्स बट नॉट इन इंसेक्ट्स. हाँ, क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ है कि मेलाथायोन क्यों प्रेफर करते हैं पैराथायोन पर. तो मेलाथायोन जो है वो ह्यूमंस में सेफ है क्योंकि ह्यूमंस में ऐसे एंजाइम्स हैं जो उसको इन ह्यूमंस में और मैमल्स में और बर्ड्स में ऐसे एंजाइम्स हैं जो फौरन उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करवा देते हैं. लेकिन इंसेक्ट्स में के पास ऐसे एंजाइम नहीं है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है और ह्यूमंस वगैरह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सम आर प्रोडक्ट्स मेलाथायोन पैराथायोन एंड मस्ट बी मेटाबोलाइज टू एक्टिव प्रोडक्ट मेलाक्सोन फ्राम मेलाथायोन एंड पैराक्सोन फ्राम पैराथायोन. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग ऑफ जो है ना इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स वो सेम है. उसमें क्या कुछ है इनडायरेक्ट एक्टिंग के भी डायरेक्ट एक्टिंग से मिलते जुलते हैं. कुछ एक्सेप्शंस हैं. विजुडाइलेशन इज लेट एंड अनकॉमन इफेक्ट. ब्रेडिकार्डिया इज मोर कॉमन देन टैकीकार्डिया. सीएनएस स्टिमुलेशन इज कॉमन विद ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड फाइजोस्टिग्मिन ओवरडोजेज एंड इंक्लूज्ड कन्वल्जन फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन. क्या आपने चीज़ें ध्यान में रखती हैं. अब इसमें जो है आपने मेन जो याद रखने हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स. डम्ब बेल्स निमोनिक से याद करें. डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रैडिकार्डिया, एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड सीएनएस. उसके बाद लैक्रिमेशन, इंक्रीज लैक्रिमेशन और जो है सेलिवेशन, स्वेटिंग. इसका सिनेरियो अक्सर आ जाता है कि एक हमें पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसको ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो आइडेंटिफाई करके आपने उसको बताने की किस चीज़ की पॉइजनिंग हुई है और क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. तो इस तरह का सिनेरियो आ जाता है. ये हो गया हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट. अब हम चलते हैं इसके ड्रग समरी के टेबल की तरफ. तो वहाँ से हम जल्दी जल्दी ड्रग्स के नाम याद कर लेते हैं. ये ड्रग समरी का टेबल आपके सामने आ गया. इसमें मुझे तो ड्रग्स निमोनिक्स के थ्रू याद होती हैं तो इसलिए मैं साथ साथ निमोनिक्स भी आपको लिखवाऊंगा. अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसके लिए पहले से माजरत. निमोनिक लिख लें साइड पे. अमन, कैन, बीट, पीएम, नॉट, सस्सी. पीएम पुनो, नॉट सस्सी. ठीक है. अमन, कैन, बीट, पीएम, पुनो, नॉट सस्सी. सस्सी पुनो की कहानी अक्सर लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी. तो इसको अब याद. डायरेक्ट एक्टिंग है. उसके बाद डायरेक्ट एक्टिंग मस्कनिक है, डायरेक्ट एक्टिंग निकोटिनिक है. अमन ए फॉर एसिटाइल कोलिन, कैन कार्बाकोल. यहाँ पे आप लिख लें कार्बाकोल, यहाँ लिखा नहीं हुआ. उसके बाद बीट, बी फॉर बिथेनिकोल, पी फॉर पाइलोकार्पिन, एम फॉर मस्करीन, मस्करीन. और उसके बाद नॉट सस्सी, एन फॉर निकोटीन
और एस फॉर सक्सिनाइल कोलिन, इनके सारे नेम्स आपको याद हो जाएंगे यहाँ से, निमोनिक को बार बार जहन में रखें। और उसके बाद क्लिनिकल एप्लीकेशंस में हैं ब्लैडर एंड बाउल एटोनी, इसमें आपने मेन चीज़ याद रखनी होती है नाम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल एप्लीकेशन और टॉक्सिसिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसमें कुछ मेन मेन जो ड्रग्स के होंगे वो मैं आपको साथ साथ करवा दिया करूँगा इंशाल्लाह। ब्लैडर एंड बाउल एटोनी और फॉर एग्जांपल आफ्टर सर्जरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। उसके बाद पाइलोकार्पिन सजोरन सिंड्रोम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस और वाज यूज इन ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा में यूज़ होती थी लेकिन अब यूज़ नहीं होती। उसके बाद जो है निकोटीन स्मोकिंग सेसेशन आल्सो यूज है इंसेक्टिसाइड। ये जो है ना आपको ये मैंने डंबल्स वाला निमोनिक याद करवा दिया, उसके थ्रू आपने ये दोबारा आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मस्करीन में ये याद रखें मशरूम पॉइजनिंग ऑफ फास्ट ऑनसेट टाइप, ये आपको शो हो रहे हैं साथ साथ। तो उसके बाद आगे आ जाएं स्मोकिंग सेसेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वर्निकलिन, और उसके बाद सक्सिनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेशन, और आगे आ जाएं एड्रोफोनियम डायग्नोसिस ऑफ मेसिनिया ग्रेविस डिफरेंशिएटिंग कोलिनर्जिक क्राइसिस फ्रॉम द मेसिनिक क्राइसिस। और उसके बाद इंडायरेक्ट एक्टिंग में नियोस्टिग्मिन, हाँ इसके लिए निमोनिक याद रखें न्यूटोनियन फिजिक्स एंडेड पैरा मैथमेटिक्स, दोबारा लिख लें न्यूटोनियन फिजिक्स एंडेड पैरा मैथमेटिक्स, एन फॉर न्यूटोनियन, एन जो है न्यूस्टिग्मिन, फिजिक्स पाइरिडोस्टिग्मिन इकट्ठे आ गए, एंडेड ई फॉर एड्रोफोनियम, और आगे आ जाएं पैरा मैथमेटिक्स पैराथायोन और मेलाथायोन, पैराथायोन और ये मेलाथायोन। अब जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ मेसिनिया में यूज़ होता है, ये भी पाइरिडोस्टिग्मिन भी, और यू इसके बाद फाइजोस्टिग्मिन यूज इन एक्यूट ग्लाउकोमा रिवर्सल ऑफ सेवियर एट्रोपिन पॉइजनिंग। और उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पे पैराथायोन इंसेक्टिसाइड है, मेलाथायोन इंसेक्टिसाइड एंड स्केबिसाइड दोनों एक्शन है इसके, सेरिन ट्यूबिन ये है नर्व गैस है, टेररिस्ट थ्रेट में यूज़ होते हैं, ये लीथल है रैपिडली लीथल, मच सेफर इंसेक्टिसाइड दैन पैराथायोन, ये जो मैंने आपको एससीक्यू बताया है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आ जाए इनडायरेक्ट एक्टिंग फॉर अल्जाइमर डिजीज रिवर्स्टिग्मिन गलेंटामीन डोनपेजिल और टेक्रीन ऑब्सोलीट हो गए, ये अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।